सो पहले दो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट चाहिए तुम क्षत्रिय हो, वेरी गुड। सेकंड, तो वो जवाब वो दे सकती है, कंपटीशन है, 2 मार्क्स मैम आपकी टीम, उसका डैश बस वही तब से आरंभ होना चाहिए। फुलमार्क पब्लिकेशन हाउस तरफ रो आपणकर हिंदी भाषार प्रयोग प्रसार पर दिल्लीर बारखंबा स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल तरफ अंजलि गुप्ता मैम आसी हिंदी भाषार प्रसार प्रसार कार्यशाल कंडक्ट कर पखापाखि 20 स्कूल 100 जन खंड प्रति भाग नहीं केवल हिंदी टीचर जी अच्छा समय क्लास 1 रू नहीं क्लास 10 पर्यंत जी टीचर अच्छा विभिन्न स्कूल समस्त आज कार्यशाल जोगदे अभाव नाई कितु जिते भी तो दे दिल मांगे मोर जो जिन रहा आम जिते चाहिए जेहेतु हिंदी आम राष्ट्रभाषा तेणु केत अधिक अधिक प्रचार प्रसार करें वर्तमान जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप 2020 अच्छी ता भितर कौन कौन नुआ जिन तो फुलमार्क्स तरफ अंजलि मैडम आज ता भाषण देवे जो कि जानपर जो आगामी दिन में क्लास क्लासरूम से उपयोग कर पारे। ये प्रोग्राम हमारा कंपनी फुलमार्क्स प्राइवेट लिमिटेड है, वो भारतीय भाषाओं और भारतीय उप भाषाओं के लिए जाना जाता है, लैंग्वेज का बहुत बड़ा पब्लिशर है और अभी हम लोग हिंदी की ओर, हिंदी दिवस अभी जस्ट खत्म हुआ उसी को लेकर डिफरेंट डिफरेंट नॉन हिंदी रीजन्स में हिंदी को एक्सप्लोर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ओके, फुल मार्क्स के सौजन्य से आज हम आप सबके सामने लेकर आए हैं एक हिंदी की कार्यशाला। इस हिंदी की कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम यहाँ पे हिंदी के टीचर्स को बताएंगे कि कैसे हिंदी को रोचक और प्रभावशाली ढंग से पढ़ाया जा सके और हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP 2020 उसके मुख्य बिंदु क्या हैं और भाषा की शिक्षिका होने के माध्यम से उन्हें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे NCFB राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा ने फाउंडेशनल स्टेज के लिए क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं टीचर्स को और आज टीचर्स यहाँ पर इस कार्यशाला में अनेक गतिविधियों के द्वारा हिंदी को कैसे पढ़ाया जा सकता है, साहित्य की जो विधाएं हैं गद्य पद्य उसको कैसे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा सकती हैं, व्याकरण के विषयों की विषय में उनके क्या क्या उनकी समस्याएं जो हैं उनका समाधान किया जाएगा, उन्हें पूरी तरह से अवगत कराया जाएगा कि कैसे बच्चों में हिंदी के प्रति जो है वो प्रेम जगाया जा सकता है, हिंदी भाषा को लेकर के उनके मन में जो डर है जो झिझक है उसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो मुझे लगता है इस कार्यशाला के बाद हमारी टीचर्स जो हैं वो पूर्ण आत्मविश्वास के साथ क्लास में जाएंगी और अपने बच्चों को उतने ही कॉन्फिडेंस उतने ही आत्मविश्वास और प्यार के साथ पढ़ाएंगी जितने प्यार के साथ मैथ्स और साइंस के टीचर्स अपनी क्लास को लेते हैं और बच्चे उतना ही इंजॉय करेंगे हिंदी की क्लासेस में भी जितना बाकी सब्जेक्ट्स में इंजॉय करते हैं।